हम बात कर रहे हैं MTNL की। आज के दिन की बात करें तो हमको छोटी मोटी गिरावट के साथ ही स्टॉक फिलहाल ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं स्टॉक जो है फिलहाल 35 रुपीज़ 20 पैसे पर हमको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले जब स्टॉक 32 के आसपास था, हमने कहा था कि टारगेट के तौर पर डिस्कस किया था, 34 और 40 के लेवल को टारगेट के तौर पर डिस्कस किया था। 34 के ब्रेकआउट के बाद स्नेक टारगेट 38 और उसके ब्रेकआउट के बाद 40 तक के टारगेट को हमने डिस्कस किया था। स्टॉक ने ब्रेकआउट दे चुका है एक अपने 34 के लेवल को और अब ऊपर की ओर ही सस्टेन हो रहा है। 37 के लेवल से हमको रिजेक्शन देखने के लिए मिला है। पहली दफ़ा रिजेक्शन लिया, गिरावट आई, स्टॉक बाउंस बैक हो गया, अगेन उसी लेवल से रिजेक्शन लेता हुआ हमको नज़र आ रहा है। तब पहले हम डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल को। यहाँ से अगर और गिरावट आती है तो ये जो लेवल है जहाँ से इससे पहले स्टॉक हमको रिजेक्शन फेस करता हुआ नज़र आ रहा था, 34 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है। इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो ये लेवल है 32 का लेवल, जहाँ से स्टॉक ने बाउंस बैक करके इस हाई को ब्रेकआउट दिया था। 32 का लेवल सेकेंड सपोर्ट का काम करेगा और तगड़े और इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 30 का लेवल। जब तक स्टॉक 30 के ऊपर है बड़ी गिरावट नज़र आना मुश्किल है। यहाँ से बाउंस बैक करके स्टॉक हमको ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि स्टॉक ने अपने एक तगड़े रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर चुका है और ऊपर की ओर ही हमको सस्टेन होता हुआ नज़र आ रहा है। 34 के ब्रेकआउट के बाद ऊपर की ओर सस्टेन होता हुआ नज़र आ रहा है, बड़ी गिरावट देखने के लिए नहीं मिली। वैसे कंडीशन में फिर ब्रेकआउट के चांस ज़्यादा बनते स्टॉक हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक होकर इस हाई को ब्रेकआउट दे दे। 37 के लेवल को इमीडिएट टारगेट रहेगा 37 का लेवल, और इसको ब्रेकआउट कर गया तो फिर 40 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में ही MTNL हमको दिखा सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय और सेल की सलाह नहीं है।